हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग कराने जा रहा हूं। गाइस, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में बिजनेस स्टडीज़ के इसके लेक्चर भी मिल जाएंगे और नोट्स भी अवेलेबल है मेरे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, प्लानिंग। सो प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इट इज़ द बेसिक एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप, मतलब फुलफिल द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच और गो। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग विल बी फर्टाइल एक्सरसाइज इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन और इम्प्लीमेंटेड, ठीक है जी। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये हमें डायरेक्शन देती है कि हमें किस तरफ जाना है, कि अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, चेंजेस बहुत जल्दी होती हैं, तो उस चेंजेस से जो अनसर्टेन रिस्क हमारे सामने आएंगे उसको रिड्यूस करने के लिए प्लानिंग हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग कर लेने से हमारे लिए कई बार जो काम हम डबल कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं या वेस्टफुल हो रहा है कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उससे भी हमारा छुटकारा हो जाता है। हमें अपनी दिशा समझ आ जाती है कि हमें क्या काम करना, किससे करवाना है। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने 90% आपका स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर लिया कि 90% मार्क्स आपने लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लानिंग है, ये आपकी प्लानिंग है, ये आपका प्लान है, ठीक है। और कंट्रोलिंग क्या होगी? कंट्रोलिंग होगी टेस्ट्स, ठीक है जी, पेपर, ओके, जिसको हम एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी कंट्रोलिंग होगी कि क्या आप अपने टारगेट तक पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए। तो इसका मतलब कंट्रोलिंग के लिए जो स्टैंडर्ड बनेगा वो प्लानिंग से बनेगा, राइट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब फीचर्स ऑफ प्लानिंग में। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले ये आता है, प्लानिंग का मेन फोकस ही होता है अचीविंग ऑब्जेक्टिव पे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग हमारे मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन है। प्लानिंग इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि ये यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल होती है। प्लानिंग कॉन्टीन्यूस होती है, प्लानिंग लगातार होती है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर से रिलेटेड है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग होता है, प्लानिंग में हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम किस दिशा में जाएंगे, ठीक है जी। और ये मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब कि ये दिमाग से सोच के करने वाली एक काम है, बिना मतलब आप इधर उधर की बातों के सोच के आप प्लानिंग नहीं प्रॉपर कर पाओगे, ठीक है। बहुत सी सारी परम्यूटेशन कम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, फ्यूचर को स्कैन करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में। सो इट लीड्स टू रिजिडिटी। मतलब एक बार जो प्लान बन गया वो बन गया, हम उससे आगे या उसे चेंज नहीं कर सकते। प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में बदल मतलब नहीं सक्सेसफुल हो सकता। जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत जल्दी से बदल रहा होता है वहाँ पे प्लानिंग दरी की दरी रह जाती है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इससे क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जो हमने एक बार प्लान कर दिया, हमें उसी तरीके से ही इनपुट्स अपने खरीदे होते हैं या लिए होते हैं, तो हमें उन्हीं के साथ फिर काम करना होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने के लिए मान लीजिए आपने आर्किटेक्ट को फीस दे के अपना बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट की फैक्ट्री की बिल्डिंग घर का नक्शा बनवा लिया है, बट आपको वह पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप प्लानिंग के बाद तो उसमें बहुत सारा खर्चा आ गया, एक्सपर्ट्स की राय ली गई थी, ठीक है, तो अब उसकी ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये एक महंगा काम है। प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में बहुत सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशंस को हमें देखना पड़ता है, बहुत सारे एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, तो उसमें हमें टाइम लगता है। टाइम कंजम्पशन एक इसकी एक लिमिटेशन है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो ये इसका मतलब ये हुआ, सिर्फ 90% सोच लेने से 90% नहीं आएंगे, पर 90% लाने के लिए आपको मेहनत भी 90% जितनी ही करनी पड़ेगी। उसी तरह अगर कोई कंपनी सोच लेती है कि उसको 100 करोड़ रुपए की सेल करनी है, तो सिर्फ सोच लेने से या प्लान करने से सेल नहीं होगी, ठीक है। कंपनी में आप सबको उसकी मेहनत करनी पड़ेगी 100 करोड़ रुपए सेल को हासिल करने के लिए। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव।
सबसे पहले इसमें आता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब जिसको कि हम टारगेट्स बोलते हैं, टारगेट्स को सेट करना हमारा सबसे बड़ा स्टेप होता है। उसके बाद डेवलपिंग प्रीमाइसेस, इसका मतलब अजम्पशंस को हमें डेवलप करना कि कौन कौन सी अजम्पशंस हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को हमें डिसाइड करना कि कौन कौन सा रास्ता हम अवेलेबल है, ठीक है। और इवेल्युएट करना हर के प्लस या माइनस पॉइंट्स को देखना कि किस अल्टरनेटिव के हमारे पास कौन कौन से क्या फ़ायदे होंगे उसके और क्या उसके नुकसान होंगे। फिर नेचुरली कोई एक पाथ या एक अल्टरनेट तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट कर देना है, अप्लाई कर देना है, लागू कर देना है, और फिर साथ के साथ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमने फॉलो अप भी करते जाना है, ठीक है जी। तो ये प्लानिंग का क्या आ गया आपके पास सारा प्रोसेस। गाइस ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएट करो अल्टरनेट को, सेलेक्ट करो एक अल्टरनेट को और उसको इम्प्लीमेंट कर दो, और उसका फिर क्या करेंगे, फॉलोअप करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लान्स, टाइप्स ऑफ प्लान में सिंपल पहले आएगा सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग यूज़। सिंगल यूज़ नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक बार यूज़ करने के लिए, और स्टैंडिंग यूज़ प्लान हो गए जो रेगुलर बेसिस पे हम रूटीन में यूज़ करते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो उसके आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लान्स में आगे है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है गाइस? ऑब्जेक्टिव इज सेड टू बी द डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन। हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या हमारा गोल होगा, गोल हमारा क्या होगा, टारगेट क्या होगा। इट मस्ट बी मेजरेबल, 10%, ठीक है, रुपीज 100 करोड़, ठीक है, ये सारी सेल्स, ठीक है, 10% इंक्रीज, एक स्पेसिफिक फिगर में ही हम इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है? इट रेफर्स टू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, डायरेक्शंस एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन, ठीक है, किसी एक सिचुएशन को निपटने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद आएगा पॉलिसी। सो पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसीज आर द जर्नल स्टेटमेंट, ठीक है, जर्नल स्टेटमेंट होती है ये, दैट गाइड थिंकिंग टुवार्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दीज आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसीजर की। प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट ऑब्जेक्टिव। प्रोसीजर वो एक रास्ता है कि रूटीन स्टेप्स हैं जो हमें हमारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। दीज आर फॉलोड इन एग्जैक्ट मैनर इन विच दे वर्क, एनी वर्क इज़ टू बी परफॉर्म, जिसमें वो वर्क परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है मैथड। मैथड इज द प्रिस्क्राइब वे और मैनर इन विच अ टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो रास्ता या जो वे या जो मेथड हम चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद रूल्स। रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में बनी होती हैं ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, टू मेंटेन डिसिप्लिन, क्योंकि तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद है बेटा प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स दैट स्टेट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को पूरा करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम बजट। सो बजट क्या होता है? बजट होता है इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ठीक है। ये प्लान होता है जब क्वांटिफाई करता है फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर से रिलेटेड होता है, ठीक है जी। तो जैसे हमारा सेल का बजट, हमारे देश का बजट, हमारे प्रोडक्शन का बजट, ये सारी फिगर्स एक तरह से ही होते, तो ये प्लान्स ही हैं बट इन फाइनेंशियल फिगर्स या न्यूमेरिकल टर्म्स में होते हैं। तो अब कौन कौन सा प्लान सिंगल यूज़ है या स्टैंडिंग यूज़ है, हम उसकी बात करते हैं। सिंगल यूज़ में आने वाले प्लान है, बजट एक बार बनेगा, प्रोग्राम एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनेगा। स्टैंडिंग यूज़ प्लान, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड मेथड, ये स्टैंडिंग यूज़ प्लान्स में आते हैं, ठीक है गाइज। तो इसी के साथ ये चैप्टर मैं कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ को देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।